दस के दमदार ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। बढ़िया तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। सातवें दिन लगातार देखिए भारतीय बाजारों की रैली कंटिन्यू हुई और आज खुलते ही सेंसेक्स ने फिर से नया ऑल टाइम हाई लगा दिया। 12,000 के स्तर का सबको इंतजार है निफ्टी पर आने के लिए। और बैंक निफ्टी की तरफ से चलिए जिस तरह से बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये दरअसल बुल्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। एक गिरने वाले शेयर के सामने दो से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर, और क्या चाहिए। सातवें दिन रैली हेमंत जी, बात सातवें दिन की नहीं है, आप देखिए कि किस हिसाब से रैली चल रही है। मैं पूरा अक्टूबर 4 से बैठ के नवंबर 4 का डेटा निकाल रहा था। सिर्फ 19 सेशन हुए हैं और 19 सेशंस में से आपके सामने इतनी भयंकर तेजी है कि 14 दिन बाजार बढ़ा है 14 सेशंस में। बताइए। हाँ बता ही रहा हूँ। नहीं हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ। अच्छा तो 14 दिन तो बाजार बढ़ा और उसके बाद अगर आप पीछे 7 दिन में देखें तो आपने करीब 400 पॉइंट निफ्टी में जोड़े हैं और इतनी भयंकर रैली है कि अगर आप पूरे महीने का आंकड़ा देखें तो दो ऐसे इंडेक्सेस हैं ग्लोबली जहां पर आपको बहुत दमदार तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी में आपको लगभग 7% की तेजी देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी जिसकी आपने बात बताई वो दुनिया का सबसे दूसरा बेहतरीन इंडेक्स है। इससे पहले एक रशियन इंडेक्स है जो मतलब 36% बढ़ा है एक महीने में, तो वो मेरे ख्याल से कोई FNO वाला इंडेक्स है जिसके बारे में ज़्यादा पता नहीं कर पाया। लेकिन बैंक निफ्टी जो 10.3% बढ़ा हुआ है वहाँ पर आपको एक बहुत भयंकर रैली देखने को मिल रही है और एक महीने में ये दुनिया का सबसे बेहतरीन दूसरे नंबर का इंडेक्स है। तो ये रैली आपके सामने है और एक से एक बेहतरीन स्टॉक्स सुबह से हेमंत जी लगाए हुए हैं कि निफ्टी को 12,000 के आंकड़े के पार करने में। और आप देखिए आज मेटल शेयर्स की बारी है। बिल्कुल, और क्या जबरदस्त प्रदर्शन देखिए मेटल सेक्टर दिखा रहा है। ये ग्लोबली अगर देखिए तनाव खत्म होता है तो फिर सबको फायदा मिलता है और इमर्जिंग मार्केट्स में जिस तरह से पैसा आ रहा है, भारत और ताइवान ये दो ऐसे देश हैं जहां सबसे ज्यादा इन्फ्लोज आए हैं। और देखिए हम लोग काफी सस्ता वैल्यूएशंस पर कारोबार कर भी रहे थे, तो अच्छी चीज सस्ती चीज लोग खरीदने आते हैं और वही देखिए भारतीय बाजारों में हो रहा है। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं, उनसे समझते हैं कैसे आज मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। kiranjadhav.com के किरण जाधव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चंदन तापड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप दोनों का फिर से। किरण जी बताइए कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट को, हम लोग चर्चा सुबह से यही कर रहे हैं, 12,000 आजकल में लगता है हासिल हो जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग हेमंत जी, शेय जी, जिस तरीके से मार्केट पैन आउट हो रहा है और जो चार्ट स्ट्रक्चर बन के नजर उभर के नजर आ रहे हैं, मेरा मानना है कि आपको बाय करके ही चलना चाहिए। मेरा अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशंस के लिए निफ्टी पे 11,920 का रहेगा और जहां पे बैंक निफ्टी की बात है उधर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 30,400 का रहेगा। लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए और ऐसे सेक्टर देखने चाहिए जो परफॉर्म कर चुके हैं या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और उधर आज डिमांड देखने को मिल रहा है, तो ऐसे ही स्टॉक्स पकड़ के चलने चाहिए ऐसा मेरा मानना है। ये अपने फिर पिक्स अब कहां पर नजर है आपकी? देखो जहां पे मेरा सबसे अच्छा कन्विक्शन देखने को मिल रहा है वो है बायोकॉन। बायोकॉन ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 251 का था और नवंबर फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ वो क्रॉस किया है बहुत ही शानदार वॉल्यूम्स के साथ और जिस तरीके से ये स्टॉक उभर के निकल के आ रहा है मेरा मानना है कि ये स्टॉक अभी मेरा टारगेट चेंज होने चाहिए। 261 का मेरा पहला टारगेट रहेगा, दूसरा 263 का और ये दोनों को देने टारगेट्स आज ही हासिल होते हैं नजर आ जाने चाहिए। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी अभी चेंज करना चाहिए, जिस तरीके से ये अपमूव देखने को मिल रहा है मेरा मानना है कि अभी 252 का स्टॉप लॉस लगा के यानी 2 रुपए का रिस्क है, काफी बड़ी अपसाइड है, मेरा मानना है कि ये लॉन्ग पोजिशन लेने चाहिए। दूसरा स्टॉक जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए वो है ऑरबिंदो फार्मा। ऑरबिंदो फार्मा में बाय करने की सलाह है, 485 का स्टॉप लॉस, 497-504 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। तो आज किरण जी जो है बिल्कुल फार्मा स्टॉक से बंधे हुए हैं। बिल्कुल, पहले आपने राय दी बायोकॉन पर और अब ऑरोबिंदो फार्मा, इन स्टॉक्स में आपको काफ़ी अच्छा प्राइस मूवमेंट पिछले हफ्ते देखने को मिला ही है। किरण जी एक छोटा मंझला स्टॉक है अदानी पावर, फिलहाल FNO में सबसे बड़ा गेनर, लगभग 6% ऊपर, बहुत ज़बरदस्त इसमें आपको तेज़ी देखने को मिल रही है चाहे ओपन इंटरेस्ट हो चाहे वॉल्यूम। किस हिसाब से आप इसको आज ट्रेड करना चाहेंगे? CNBC आवाज़ का आज का छोटू स्टॉक अदानी पावर है। शेल जी छोटू स्टॉक बहुत ही अच्छा है, इसने एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जो 69.40 का था ये इसने क्रॉस किया है, तो मेरा मानना है कि 69 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, पोजिशनल व्यू रखना चाहिए, इधर से काफी बड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी। आपका स्टॉप लॉस मेरा मानना है कि 68 कर लेना चाहिए और टारगेट्स के लिए मेरा मानना है कि ये काफी बड़ी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए क्योंकि इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दी है और जो अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आता है
चार्ट्स पे, वो है 87, यानी इधर से काफी बड़ी अपसाइड स्टॉक में देखने को मिल जानी चाहिए, बिल्कुल राइड करनी चाहिए ये रैली। डायरेक्टर साहब, आप जरा एक लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए अदानी पावर का, तो समझ में आएगा किस हिसाब से यहाँ पे आपको एक बहुत जबरदस्त वॉल्यूम ब्रेकआउट भी देखने को मिला है और ये स्टॉक अपने अप्रैल 2012 के हाई के आसपास पहुंचा है, तो बहुत समय बाद एक लगभग यूं समझिए कि 7 साल का जो एक अप ट्रेंड है वो अब आपके सामने टूटा है और वहां से आपको लगभग 80-85 की आवाज किरण जी को आती हुई दिख रही है। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तपड़िया साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, आपकी कौन सी दो ऐसी पिक्स होंगे आज के लिए? जी देखिए, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, मेरा मानना है कि मौजूदा लेवल से इन दोनों काउंटर में 3-4% के अपमूव बनने चाहिए। दोनों ही काउंटर में 5-5% के लॉन्ग बिल्टअप हो रहे और इसलिए यहाँ पे अपमूव इंटेक्ट रहेगा। न्यू हाइज टारगेट यहाँ पे बनेंगे, काफी पॉजिटिव प्राइस पैटर्न रोल ओवर सब इंडिकेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस को खरीदने की सलाह दे रहा हूँ। 4070 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 4275 तक के टारगेट हो जाने चाहिए। दूसरा ट्रेड है वो बोस, बोस लिमिटेड, देखिए काफ़ी एक अट्रैक्टिव प्राइस बिहेवियर लग रहा है, मेजर सपोर्ट से टर्न हुआ है, डबल बॉटम इसने बनाया है, पिछले 5 वीक से लगातार हायर हाइज हायर लॉस बन रहा है और 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में आज वापस ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। और मैंने यहाँ पे नोटिस किया 3-4 दिन पहले काफ़ी अच्छा डिलीवरी वॉल्यूम था, इसलिए काउंटर हमारे रडार पे आ रहा है, तो बोस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हालांकि बड़ा प्राइस है बट मेरा मानना है कि 3-4% का मूवमेंट आज ही आ जाएगा, इसके लिए 15,250 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 16,200 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। बड़े बड़े शेयर हिलाने के मूड में बिल्कुल। देखिए चंदन जी, 5-5 डिजिट वाले शेयर देखिए इसको हिलाने के मूड में नजर आ रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं किरण जी। किरण जी, आपको दोनों पसंद है, वैसे बी अक्षर पर फोकस है इनका और बायोकॉन, माफ कीजिएगा आप, बजाज फाइनेंस, और बजाज फाइनेंस को हमने आज निफ्टी का नवाब भी बनाया है, आपको इन दोनों में क्या पसंद आता है? दोनों आते हैं, दोनों बताइएगा, आपके टारगेट भी दीजिए। हेमंत जी, दोनों है, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, ये दोनों पुणे की कंपनीज है, इसलिए और भी प्राउड फील होता है। और जिस तरीके से चार्ट पैन आउट हो रहा है, मेरा मानना है कि ये बहुत ही बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिलाते नजर आ जाएंगे। जहां पे बजाज फाइनेंस की बात है, मेरा भी लॉन्ग पोजीशन लेने की सलाह होगी। अभी मेरा स्टॉप लॉस 4120 का रहेगा, टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 4250 4260 के आज देखने को मिल जाने चाहिए। जहां पे बजाज फिनसर्व की बात है, उधर भी मेरा मानना है कि काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिल जानी चाहिए। जो अभी इसने तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट लेवल थे करीबन 8570, तो 8550 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 8720 8730 के टारगेट्स कैजुअली देखने को मिल जाने चाहिए आज के सत्र में। पुणे के लोग बड़ा वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं, आप देखिए कंपनियां भी और आप जैसे एक्सपर्ट भी, तो बढ़िया स्टॉक्स आप लोग बता रहे हैं आज दोनों ही। देखिए क्या जबरदस्त रैली, अच्छा बजाज फाइनेंस में भी तेजी देखने को मिल रही है और रब ऑफ इफेक्ट बजाज फिनसर्व में भी देखने को मिल रहा है। चलिए, तो बात बॉश की हो रही है, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स की, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मदरसन सुमे की हम लोग बात ना करें? किरण जी, ये प्रश्न आपके लिए, 4 दिन की साइडवेज मूवमेंट के बाद आज मदरसन सुमे में एक बहुत ही अच्छा निशान हरे रंग का, 2.3% ऊपर है ये स्टॉक और कमाल की बात यह है कि बिल्कुल अपने 200 डीएमए के नीचे। क्या उम्मीद आप रखते हैं कि ये अपने 200 डीएमए के ऊपर चला जाएगा आज के ट्रेडिंग सेशन में या इस हफ्ते में? देखिए, इस हफ्ते चलना, इसके ऊपर बिल्कुल जाने की संभावना है। हमने 29 तारीख को बहुत अच्छा अपमूव देखा था और बहुत स्ट्रॉन्ग डिलीवरी वॉल्यूम्स के साथ देखा था। अभी उस दिन का जो ब्रेकआउट का लेवल था वो था 118.70 रुपए कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, तो मेरा मानना है कि अभी 116 रुपए या 17 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए पोजिशनल व्यू के हिसाब से। और एग्रेसिव बाय होगा मेरा 127 के ऊपर, तो 127 के ऊपर जाएगा तब मेरा मानना है कि ये 140 की बात करना चालू कर दूंगा, तो उधर एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। बात है, तो देखिए ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स में रैली देखने को मिल रही है, अब आप समझिए वो इसलिए क्योंकि अगर चाइना के साथ ट्रेड पर अमेरिका सहमत हो जाता है तो फिर देखिए रिलीफ देखने को मिलेगा, और इसलिए ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए, चाहे वो मदरसन सुमे हो, और सुबह से देखिए बल्कि पिछले सत्र से हम लोग कह रहे हैं कि आपकी नज़र होनी चाहिए मेटल काउंटर्स के ऊपर, और क्या भागे हैं, और मज़े की बात भागने के बाद देखिए आज भी सेकेंड डे इन अ रो बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वैसे काउंट करेंगे तो 7 दिन लगेगा, लेकिन 7 दिन तो बाजार भी देखिए ऊपर था, तो सबको ही ऊपर होना था। मेटल सेक्टर में सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिला है तो देखिए कई शेयरों में बनाए,
टाटा स्टील हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने सुझाया, हिंडालको ये एक और ऐसा देखिए स्टॉक है जो दमदार प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वेदांता देखिए भाग रहा है, हिंडालको आपको कैसा लगता है, क्या राय है आपकी, ये बताइए कैसे इसको ट्रेड किया जाए इस समय चंदन जी? देखिए टाटा स्टील हमारा प्रिफर्ड पिक इन मेटल स्पेस पर रहा है, हम सुबह से इस पर डिस्कस कर रहे हैं और अभी भी टारगेट के आसपास आया और अपमूव बनना चाहिए। मेटल काउंटर में देखें इंडालको में 7% का ओपन इंटरेस्ट हुआ है और टाटा स्टील में भी 7% का ओपन इंटरेस्ट हुआ है, तो दोनों में पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बने हुए हैं। यहाँ पे मैंने नोटिस किया 200 की कॉल में अनवाइंडिंग होने लग गई है जो संकेत दे रहा है कि अब काउंटर 195-197 के सपोर्ट को होल्ड करेगा और उसकी वजह से यहाँ पे अब 208 तक के एक्सटेंडेड टारगेट नजर आएंगे। तो हिंडालको में यहाँ पे 197 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी, 208 और 210 यहाँ पे अपसाइड के टारगेट बनेंगे। हेमंत जी आज का हमारा रफ्तार का घोड़ा हिंडालको है, इसके साथ दो तीन बातें बहुत अच्छी हुई हैं डायरेक्टर साहब, जब तक वो मॉन्टेज तैयार करते हैं हमारी जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से घोड़े भागते हैं, एक ये तो 200 DMA के ऊपर आया है और आप समझिए लगभग करीब आपको एक महीने के हाई के आसपास ज़रूर दिखेगा, और जब से हम लोगों ने बातें करनी शुरू करी हैं हेमंत जी 10 के दमदार ट्रेड्स में, फिलहाल लगभग 50 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं, एवरेज जो है इसमें लोज करीब 60 लाख शेयर ट्रेड होते हैं, तो एक ही घंटे से कम में अगर आपको लगभग 90% वॉल्यूम देखने को मिलती है दिन में, तो यूँ समझिए कि ये स्टॉक लंबी अवधि का ट्रेडिंग पंट हो सकता है। और जैसे कि अभी आपको चंदन जी ने बताया था कि कम से कम 208 के आसपास की वो आशंका रखते हैं हिंडालको में, और अगर आप NSE का मेटल इंडेक्स देखें तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, ये लगभग 2250 पॉइंट से मिड अक्टूबर से अब तक 2650 पॉइंट के आसपास आ चुका है। देखिए रैली कितनी अच्छी तरीके से बहुत ही ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो जैसा कि हेमंत जी बता ही रहे थे कि जो भी ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स हैं और खासकर मेटल स्टॉक्स हैं जहां पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिटाई हुई है, वही ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको बहुत अच्छा एक स्प्रिंग खुलता हुआ दिख रहा है। आज FNO में सारे मेटल स्टॉक्स ऊपर हैं, चाहे आप टाटा स्टील की बात कर लीजिए, JSW स्टील की बात कर लीजिए, वेदांत की बात कर लीजिए, हिंडालको आपके सामने ही है, हर जगह आपको एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। सेल देख लीजिए वेदांत, नेशनल एल्यूमिनियम, NMDC, जो 8 स्टॉक्स हैं, 8 के 8 FNO के मेटल स्टॉक्स बहुत जबरदस्त तेजी के से और बहुत अच्छे ओपन इंटरेस्ट के साथ ऊपर है। बिल्कुल, तो गजब से देखिए बढ़िया प्रदर्शन ये आज के सत्र में दिखा रहे हैं, अच्छी तेजी यहाँ पर बन रही है। लेकिन ऑटो स्टॉक्स में देखिए आज गिरावट है, खास तौर पर हीरो मोटोकॉर्प दिन के निचले स्तर पर, मारुति अगर आप देखें तो ये भी ठंडा पड़ा हुआ है। हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स तो यही कह रहे हैं कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए आपको गिरावट में खरीदना चाहिए, लेकिन कहाँ खरीदें ये है बड़ा सवाल। हीरो मोटोकॉर्प आप ये बताइए कितना नीचे मिले तो आपको लगता है करेक्शन पूरा हो जाएगा, क्योंकि पिछले सेशन में इसने जो गजब का मूव दिया है पिछले सीरीज में, माफ़ कीजिएगा अक्टूबर की सीरीज में, ये बताइए हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि चंदन जी आप क्लोजली ट्रैक करते हैं इसे, तो कौन सा लेवल अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा? जी देखिए ऑटो स्पेस में अच्छी खासी रिकवरी हुई थी और मेनली जो बाइंग इंटरेस्ट था मारुति बजाज ऑटो इन सब में देखने को मिला था। हीरो मोटो थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मूव है, स्लो एंड स्टडी मूव करेगा, बट यहाँ पे देखिए 2580 और 2600 एक मल्टीपल सपोर्ट है, तो 2580-2600 जोन जो मौजूदा लेवल से 1.5-2% नीचे उसके आसपास आए तो खरीदारी की सलाह रहेगी। इमीडिएट में टारगेट आपको 2800 तक के बनेंगे, बट कंपेरेटिव यदि आप पूछेंगे तो ऑटो इंस्ट्रूमेंट्स पे यहाँ पे फोकस रहेगा जैसा कि मदरसन सुमी बोस है, और ऑटो में मेरे हिसाब से मैं मारुति की तरफ फोकस करेंगे जहाँ पे 8000 तक के टारगेट के हम कयास लगा रहे हैं। जी 8000 आप मारुति पर देख रहे हैं। किरण जी ये प्रश्न आपसे है, पिछले 3 महीने में आपने बहुत ही अच्छी रैली पकड़ी है आयशर मोटर्स में, बजाज ऑटो और हीरो मोटर्स में, जितने भी टू व्हीलर स्टॉक्स हैं, आपको क्या लगता है कि अब समय कुछ ऐसा है क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी लगभग निबट ही चुका है कि हल्का सा मुनाफा उठाना चाहिए टेबल पर से, खासकर इन तीनों स्टॉक्स में, या आप उम्मीद रखते हैं कि यह रैली कंटिन्यू करेगी? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रहेगा, मुझे लगता है कि आयशर मोटर लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए, बजट ऑटो के रखने चाहिए, पर हीरो मोटो में प्रॉफिट बिल्कुल बुक कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता हीरो मोटो में आपको लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। जिस तरीके से आयशर मोटर एक बहुत बड़ी रैली करीबन हमने देखा है कि 15,600 से लगातार 22,000 के ऊपर चला गया है, अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा काफी नीचे रहेगा, पर वही सही लेवल रहेगा, 21,000 का रहेगा,
पर मेरा मानना है कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, टाइम करेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ये स्टॉक नेक्स्ट रेजिस्टेंस की ओर चलेगा जो कि करीबन 24,000 के करीब है, तो ये एक टारगेट रहना चाहिए। जहां पे बजाज ऑटो की बात है, मुझे लगता है बजाज ऑटो में भी एक अपसाइड बिल्कुल बनती है करंट लेवल से, पर थोड़ा सा टाइम करेक्शन कर लेगा। मेरा अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बजाज ऑटो में 3085 का रहेगा, 3200 पे ट्रेड कर रहा है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 3400 का है जो कि एक ऑल टाइम हाई लेवल्स है। ये एक बार क्रॉस करेंगे तो उसके बाद एक बहुत बड़ी मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिलेगी, तो लॉन्ग पोजीशंस इन दोनों स्टॉक्स में रखने चाहिए। चलिए, दोनों स्टॉक्स में आप लॉन्ग पोजीशन बना के रखिए। चंदन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, आप जो बड़े वैल्यू के स्टॉक्स हैं बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक करते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट पर अपनी राय दीजिए। आज इसमें काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिल रही है, कैश मार्केट्स में लगभग 2.25 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं पिछले एक घंटे में। किस हिसाब से आप अल्ट्राटेक सीमेंट को देखते हैं, 3 दिन की तेज़ी के बाद ये स्टॉक भी 200 DMA से एक अच्छा बाउंस बैक लिया है? जी, देखिए सीमेंट काउंटर पे हमारा फोकस है और अल्ट्राटेक और ग्रसिम दोनों मौजूदा लेवल से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अल्ट्राटेक की बात करें तो आज का जो लो है 50 दिन का मूविंग एवरेज है, 50 दिन के मूविंग एवरेज को ये होल्ड कर रहा है और 6% के ओपन इंटरेस्ट इस काउंटर में मात्र एक घंटे में देखने को मिले, और 3-4 दिन पहले 4,090-4,100 का बॉटम ऑलरेडी बना चुका है और अब जो सपोर्ट शिफ्ट होके लगभग 4,170 के आसपास आ रहा है, इसके लिए हमारा मानना है कि 4,400 तक वहाँ के टारगेट होने चाहिए। तो अल्ट्राटेक में 4,170 के स्टॉप लॉस से 4,400 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। मैकेनिकल इंडिकेटर भी यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी एडिशन हो रहा है, दोनों ही तथ्य ये बता रहे हैं कि इस स्टॉक में आपको बनना चाहिए। अच्छा हेमंत जी, एक इंटरेस्टिंग बात आज सीमेंट स्पेस में ये है, कम से कम अगर आप एफएनओ स्पेस में देखें तो हमारे जो 6 स्टॉक हैं एफएनओ के सीमेंट स्पेस में वो 6 के 6 अप हैं। जिस हिसाब से आपको मेटल्स में तेजी देखने को मिल रही है वही हाल आपका सीमेंट स्पेस में भी है। किरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अल्ट्राटेक पर आपने राय सुनी। किरण जी, आपका कोई फेवरेट सीमेंट स्टॉक है क्या फिलहाल? देखिए, जो सबसे अच्छा सीमेंट स्टॉक देखने को मिल रहा है और थोड़ा सा इलिक्विड है पर बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, वो है रैमको सीमेंट्स। कई बार मैंने इसको रेकमेंड भी किया है, मैंने आप ही के चैनल पे 720 के करीब रेकमेंड किया था, अभी 820 के को क्रॉस कर चुका है। मेरा मानना है कि ये 840 का टारगेट आज ही दिलाना चाहिए, इधर से काफी बड़ी अपसाइड आपको रैमको सीमेंट में देखने को मिलेगी। जो मोमेंटम, जो डिलीवरी बेस बाइंग देखने को मिल रही है उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मेरा स्टॉप लॉस 817 रुपए का रहेगा, 827 पे ट्रेड कर रहा है, मेरा टारगेट 840 आज के लिए रहेगा। ये पहला रेजिस्टेंस है, इधर बेचने की सलाह नहीं है, इसके ऊपर भी जाने की उम्मीद है इस स्टॉक में। बिल्कुल, तो बढ़िया स्टॉक है, लेकिन मेरी नज़र है सिर्फ और सिर्फ एक ही सूचकांक पर, वो है बैंक निफ्टी। क्या बात, और बैंक निफ्टी यहाँ से बढ़ेगा इसके संकेत देखिए बिल्कुल मिल रहे हैं, और बैंक निफ्टी सीधे भी लिया जा सकता है लेकिन ICICI बैंक के थ्रू अगर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। और देखिए जिस तरह से ICICI बैंक प्लेस्ड है, ये वो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला स्टॉक है, और इसमें देखिए बाइंग अब बनने लगी फिर से खुलने के बाद, ये इस पर रखिएगा नज़र, क्योंकि अगर निफ्टी को 12,000 आज होना है तो फिर अगर एक स्टॉक है जो बढ़ सकता है ये हो सकता है बाकी बचे हुए सेशन के लिए। तो 470 के आसपास कारोबार कर रहा है लेकिन ये और बढ़ेगा ऐसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं बताइए, इसको क्या खरीदना चाहिए, कोई कॉल ऑप्शन अगर हो किरण जी तो बताइए, क्योंकि आप सुबह से देखिए बैंक स्टॉक खुलने के बाद अब टिके हुए हैं और अब इसने बढ़ना, बैंक निफ्टी ने भी देखिए बढ़ना शुरू कर दिया है, और ये वो स्टॉक है जिस पर नज़र होनी चाहिए। कोई लेवल इंपॉर्टेंट हो तो बताइएगा, अगर अभी तेजी कर रहे हैं जो लोग उनको कहाँ तक जाने तक इस पर लॉन्ग पोजिशंस अपनी रखनी चाहिए? देखिए ICICI बैंक बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, पिछले 3 दिन के कंसोलिडेशन या छोटा सा करेक्शन के बाद आज वापस मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मेरा अभी स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने के बाद, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 466 का, 471 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि टारगेट्स के लिए 477-480 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। के लेवल आप कह रहे हैं देखने को मिल जाने चाहिए, और जिन्होंने तेजी करी उनको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए? 465 इसके ऊपर रखिएगा नज़र, क्योंकि देखिए अगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कोई एक शेयर कर रहा है और तो वो ICICI बैंक ही कर रहा है। अभी डायरेक्टर साहब ने दिखाया आपको निफ्टी में, सेंसेक्स में भी अगर आप कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे तो आपको यही नज़र आएगा, बैंक निफ्टी के भी कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे तो आपको दरअसल यही नज़र आएगा। देखिए निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जलवा मजबूत है और ICICI बैंक देखिए भागता हुआ, ये बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बार प्लीज निफ्टी के भी दिखाइए,
निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में भी अगर आप पाएंगे तो आप इसी को पाएंगे। सेकंड नंबर पर आरआईएल है, आरआईएल तो बढ़िया प्रदर्शन दिखा ही रहा है, इस पर भी हमने सुबह बात की थी जब सबसे एग्रेसिव ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी यहाँ पर। और अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक, और जब ये मजबूत हो तो फिर 12,000 आज हो जाएगा आपके आखिरी सौदा तक। चलिए तो इसी 100% इसी उम्मीद पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन दो तीन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हेमंत जी बैंक निफ्टी में हुए हैं। डायरेक्टर साहब जरा लंबी अवधि का चार्ट अगर आप बैंक निफ्टी का दिखाएंगे तो हमारे दर्शक देख पाएंगे, जो दो दिन की रैली हुई थी कॉरपोरेट टैक्स रेट कट्स के बाद 23 सितंबर और 20 सितंबर को जो दो रैली थे, वो अब लेवल जो है बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छे डिप के बाद दोबारा रिक्लेम कर लिया। आपको लंबी अवधि के चार्ट में अभी दिखेगा, ये तो 14 दिन की है। डायरेक्टर साहब जरा 3 महीने की चार्ट दिखाइए तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे किस हिसाब से आपको बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिल रही है। 1 महीने के हिसाब से बैंक निफ्टी सबसे बेहतरीन परफॉर्मर है नंबर 2 पर दुनिया में। ये देखिए ये जो लेवल आपके सामने आया है राइट साइड में, जो 2 गैप अप्स हुए थे उसको खत्म करता हुआ यहां से आपको और तेजी देखने को मिल रही है। 15 के 15 बैंकिंग स्टॉक्स हेमंत जी एफएनओ में आज हरे निशान में है, तो 8 मेटल शेयर, 6 सीमेंट शेयर और 15 बैंकिंग शेयर एफएनओ में, सारे अपने 3 पूरे सेक्टर्स आपको हरे निशान में देखने को मिलेंगे। तो बात आपकी बिल्कुल सही लग रही है कि आज आखिरी सौदे तक शायद आपको एक आंकड़ा बदलता हुआ दिखेगा निफ्टी पे 100%। और देखिए जिस हिसाब से बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन, एक बार मेटल सेक्टर तो आप कह सकते हैं कि भाई इतना वेटेज नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी का तो, बैंकिंग स्टॉक्स का तो देखिए वेटेज बहुत है। और इसीलिए अगर ये सारे के सारे एक साथ टिके हुए हैं, और HDFC लिमिटेड से भी देखिए एक्सपेक्टेशन तो है ही है, ये डिसअपॉइंट करता नहीं है, अच्छे प्रदर्शन दिखाता है, तो फिर तैयारी आज देखिए हमें रखनी चाहिए सबको, एक एक केक तो कम से कम ऑर्डर कर ही देना चाहिए। एक्चुअली बात जब मैं नीचे ऑफिस में आया था, नीरज जी ने मुझसे कहा वो केक का क्या करना है, नया आने वाला है। मैंने कहा भाई तो हमारा हक है, केक तो खाएंगे, केक खाने के लिए तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए वो बैंक निफ्टी ही मदद करेगा, यही पिछले 3 दिन से हम कह रहे थे, 30,500 की बात हो रही थी, तो 3 दिन में देखिए 30,500 का सफर भी तय हुआ, और अब थोड़ा सा और सफर बाकी, कहने हाथी चल निकल गया, पूंछ रह गई है। बिल्कुल, तो पूंछ थोड़ा टाइम देती है, लेकिन आज का दिन काफी है। तो 1% जो है, मतलब 0.09% नीचे है बाजार अपने ऑल टाइम हाई से, 12,103 पर नजर गाड़े हुए है पूरी दुनिया, और फिलहाल आपके सामने 11,990 के आसपास आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ देखेगा। हेमंत जी एक स्टॉक पर आज जरूर नजर डालनी है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, और बात करते हैं किरण जी आपसे पंजाब नेशनल बैंक की। देखिए क्या जबरदस्त आपके सामने रैली है, 4 और 3 7 दिन की लगातार तेजी के बाद आपको ये स्टॉक 15 अगस्त की हाई के आसपास मिल रहा है, 2.2% आज ऊपर है, किस हिसाब से आप इसको ट्रेड करना चाहेंगे? देखिए शैल जी, इसमें भी लॉन्ग पोजीशन बरकरार रखने चाहिए, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 68 का आज क्रॉस किया है, जो कि करीबन पिछले 4 महीने का रेजिस्टेंस था। कई बार कोशिश की 4 महीने में इसको क्रॉस करने की, नाकामी भी हासिल हुई थी, आज पहली बार ये लेवल तोड़ा है। तो डिमांड और पावर सप्लाई का सिनेरियो इधर क्लियरली देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि आपका 67 का नजदीक वाला स्टॉप लॉस रहेगा, 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस है, और टारगेट्स के लिए पोजिशनल मूव रखनी चाहिए, और मेरा मानना है कि नेक्स्ट जो टारगेट है वो 74 के देखने को मिल जाने चाहिए। तो जैसे जैसे स्टॉक ऊपर चलता है आपको ट्रेनिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, काफी बड़ी अपसाइड प्रदर्शन देखिए PNB दिखा रहा है, और आज भी मेटल और PSU बैंक्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में 10 के दमदार ट्रेड्स में 99 रुपये पर हम लोग यही कह रहे थे कि 100 रुपये का हासिल होगा लक्ष्य बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स 103 के टारगेट्स दे रहे थे, तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 103 के टारगेट्स तो कम से कम आज हासिल हुए हैं इंट्राडे में। तो PSU बैंक्स धीरे धीरे करके देखिए बढ़ रहे हैं, लेकिन कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो आप देखिए ये सारे के सारे PSU बैंक्स में क्या गजब का मूव देखने को मिला है। सबसे पहले भागा था SBI, और SBI की लीडरशिप में देखिए अब बाकी के स्टॉक्स में भी दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। तो हेमंत जी बैंक ऑफ बड़ौदा में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि ये 100 DMA के आज बिल्कुल ऊपर गया है, और हम मेरे ख्याल से थर्सडे को बात कर रहे थे 10 के दमदार ट्रेड्स में, फ्राइडे को, तब ये 99 के नीचे था। अब देखिए चंदन जी थे शायद तब जब उन्होंने कहा था कि 100 के ऊपर तो जरूर आप टारगेट लगाइए, 103 उनका लक्ष्य था। तो डायरेक्टर साहब आप बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक दोनों के चार्ट्स एक ही स्क्रीन पर दिखाइए तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि ये रैली जो है बिल्कुल हर तरफ
पूरे पीएसयू बैंकिंग बास्केट में बहुत अच्छी तरीके से फैल रही है। आपके सामने एक महीने का जो गेन है बैंक ऑफ बड़ौदा में वो 16% है। चंदन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी राय दी थी। ये देखिए क्या बेहतरीन तरीके से ये दोनों स्टॉक्स बढ़ रहे हैं और 3 महीने में कोई खास रिटर्न नहीं है, लेकिन अगर आप पिछले 1 हफ्ते का परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तेजी दिख रही है। चंदन जी, आप बहुत अच्छी एक रिसर्च फर्म में काम करते हैं, कोई सबसे अच्छा मंझला पीएसयू बैंक जो आपको पसंद हो नवंबर की एक्सपायरी के लिए? जी देखिए, मेरे हिसाब से आपने बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं और मेरे हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा को भी यहाँ पे पिक के लिए लिया जा सकता है। हम ऑलरेडी एसबीआई की बात कर चुके हैं जहाँ पे मोमेंटम इंटेक्ट है, 333 तक के टारगेट्स हम वहाँ पे देख रहे हैं और जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ऑलरेडी पिछले कुछ दिन से रिकमेंड कर रहे हैं, बट अब एक मेजर लेवल पे आ चुका है। 103 इसका अहम लेवल है जो इसका एक मल्टीपल हर्डल है। लगभग पिछले 10 वीक में 3-4 बार इस हर्डल को इसने रेस्पेक्ट दिया है और अब उस लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा है। मेरे हिसाब से 103 के ऊपर निकलते ही मल्टीपल प्राइस पैटर्न एक्ट करेंगे और सीधा 110 से 111 की तरफ लेके जाएंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को इस लेवल पे देखा जा सकता है। 103 के ऊपर होल्ड करते ही 100 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस, पोजिशनल 110 यानी 6-7% की अपसाइड यहाँ पे बननी चाहिए। ऑलराइट, तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर रखिएगा नज़र, पीएनबी पर रखिएगा नज़र और आईसीआईसीआई बैंक हमने बात करी थी। और देखिए अब आईसीआईसीआई बैंक बढ़ना शुरू हो चुका है। हम लोग बात कर रहे थे इस स्टॉक पर 470 के आसपास, अभी देखिए 71 का भाव आपको स्क्रीन पर दिखा, धीरे धीरे करके देखिए, बड़ा शेयर है, टाइम लेता है हिलने में, लेकिन जब ये हिलता है तो फिर पूरे बाजार को हिलाता है। तो आप देखिए वैसा नज़र आ रहा है, सबसे अच्छा कंट्रीब्यूटर ये बन चुका है निफ्टी को आगे बढ़ाने में और बैंक निफ्टी को भी आगे बढ़ाने में। एक बार सारे एक्सपर्ट्स की पिक्स को रिकैप कर देते हैं, बता देते हैं आपको कौन कौन से शेयर हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको सुझाए हैं जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। चंदन जी कह रहे हैं कि बजाज फिनेंस पर रखिएगा नज़र, आज ये निफ्टी का नवाब भी है। बॉश में भी देखिए तेजी करने की बात उन्होंने कही। मदरसन सुमी एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर चर्चा हुई कि यहाँ पर भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। हीरो मोटोकॉप और बजाज नीचे आए तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय निकल कर आ रही है। करेक्शन के जब ये पूरा होगा तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन और स्टॉक्स कौन से हैं, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा अभी अभी बात हुई, पीएनबी पर बात हुई, यहाँ पर तेजी होगी। अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है और बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं औरबिंदो फार्मा, बायोकॉन, ये किरण जी ने आपको बताया। अडानी पावर आज का छोटू स्टॉक का अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, देखिए दमदार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 87 का टारगेट भी यहाँ पर सुझाया गया है, अच्छी तेजी बजाज फिनेंस के अलावा बजाज फिनसर्व में देखने को मिलेगी, ये किरण जी ने आपको अब बताया। और मदरसन सुमी जैसा कि मैं आपको अभी कह रहा था यहाँ पर भी बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। ये तमाम बातें आपने आज 10 के दमदार ट्रेड्स में सुनी। बजाज ऑटो भी उनको पसंद है किरण जी को और रामको सीमेंट पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। बढ़िया तेजी देखने को मिली है भारतीय बाजारों में और ये शानदार पिक्स आपके लिए। ICICI बैंक भी अगर यहाँ पर आपको खरीद कर रख रहे हैं तो इस स्टॉक में भी आपको ऊपर में 477-480 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और पीएनबी के लिए भी टारगेट नोट कर लीजिए 74 के निकल कर आए। तो हेमंत जी, ICICI बैंक में खासकर 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद आज आपको एक अच्छा हरा निशान दिख रहा है और अगर ये तेजी बरकरार रहती है तो आपको और अच्छा मूवमेंट ICICI बैंक में ऊपरी सतह की तरफ दिखेगा। एक रैप अप कर देते हैं, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स जो CNBC आवाज़ ने आइडेंटिफाई किए। निफ्टी का नवाब आज बजाज फाइनेंस है, रफ्तार का घोड़ा आपके लिए हिंडालको है जहां पर आपको एक बहुत अच्छी बाय कॉल मिली। आज का छोटू स्टॉक अदानी पावर जहां पे किरण जी ने आपको 87 रुपये का टारगेट दिया, आपके सामने एक पूरी स्क्रीन आएगी अभी जिसमें सारे ट्रेड्स लिखे होंगे और ये देखिए आपके सामने नवाब, घोड़ा और छोटू आ चुका। PSU का राजा भी थोड़ी देर में हम लोग बनाएंगे, लेकिन पंटर स्टॉक येस बैंक है जहां पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से 23% आपको बाउंस बैक मिला इंट्राडे। और उसके बाद आज का जो रंगरूट स्टॉक है वो है MSTC लिमिटेड जो फिलहाल 4th दिन तेज़ी में है और जो इसका IPO प्राइस था 120 रुपये, बहुत मुश्किल से ये स्टॉक उसके ऊपर अब आया है बहुत ही अच्छी रैली के बाद। तो ये था 10 का दमदार ट्रेड। चलिए तो हमें भी दीजिए विदा, आप बने रहिए CNBC आवाज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को देखने के लिए। किरण यादव जी बने रहेंगे 10:30 बजे वाले शो में हमारे साथ होंगे, आपके तमाम सवालों के वो जवाब भी देने वाले हैं, तो आप कहीं मत जाइए। चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरू जुड़ेंगे, लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन, अनुज उनके साथ मुंबई से जुड़ने वाले हैं। धन्यवाद। पहला सौदा 10 के दमदार ट्रेड्स, मुनाफे की तैयारी स्टॉक 2020 देखने के लिए।